सभी लोगों को उम्मीद थी कि देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव के साथ ही मंगलोर विधानसभा में भी उपचुनाव हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। पर जैसे ही लोकसभा चुनावों का ऐलान किया गया, उसमें मंगलोर विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं था। वहीं मंगलोर विधानसभा के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उन्होंने स्वर्गीय विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई थी, पर उसे उन्होंने 25 नवंबर को वापस ले लिया था। पर इस पर भी चुनाव आयोग ने मंगलोर विधानसभा के चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया? क्या रह गई होगी, अब मैं नहीं कह सकता क्या प्रक्रिया रही होगी, लेकिन जो है ये कह रहे हैं इलेक्शन पिटीशन, तो इलेक्शन पिटीशन की वापसी के आदेश हुए हुए हैं। कोई प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया, कोई आखिरी लम्हे की रह गई हो अलग बात है। ये सरकारी गजट है उत्तराखंड का, इसमें ये देखिए 73वें पेज पर छपी हुई है, 21 फरवरी 2024 इलेक्शन पिटीशन नंबर ये 2022 काजी निजामुद्दीन पिटिशनर वर्सेस सरवत करीम अंसारी, ये इसकी वापसी का ये गजट प्रॉपर छपा हुआ है, सरकारी दस्तावेज है।